सभी साथियों को नमस्कार। मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्री नुमय गोविंद गुर्जर पर स्वागत है। देखिए साथियों, आपकी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। जैसा कि थंबनेल में बता रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपका समय हो गया है। सभी साथी शेयर करें फटाफट से, सभी साथी शेयर करें। जो साथी जुड़ रहे हैं वो फटाफट से शेयर करें दोस्तों, और जो साथी जुड़ रहे हैं पहले उनसे अपन बात करते हैं। बिल्कुल, सभी को नमस्कार, प्यार बना नमस्कार। आज आपके रैंकिंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। सर एक बात बताओ, अजय राज, राम राम सबको, नमस्ते। सभी साथी फटाफट शेयर कर दें दोस्तों, सभी साथी शेयर करें फटाफट से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाएं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे सर एक बात बताओ, पूछिए भाई अजय राज, बिल्कुल निश्चित रूप से बताया जाएगा। प्रदीप कुमार वल्लभगढ़ नमस्कार भाई, रवि कुमार, राधी, राधे राधे, गौरव नार भाई, राम राम सबको। CET क्या है? अच्छा, CTET जो बोल रहा है बेटा, इसके बारे में निश्चित रूप से मुझे ध्यान भी आ गया। आशी वंसल सर नमस्ते। रविवार के दिन मैं आपको ये चीज़ सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा, जिसमें CTET क्या होता है, ये जो अभी लेटेस्ट सिस्टम चला है ये क्या होता है, या फिर LDC की जगह आ रही उनके रिलेटेड, BST से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी जानकारी लेकर के रविवार को आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी क्लासेस के चल रही हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको जानकारी लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, मानव शर्मा गुड इवनिंग, नरेश कुमार प्रणाम भाई, अभी बंसल नमस्कार, निकिता जांगर नमस्कार बेटा, अजय भाई जी सर, अजय भाई राम राम, बिल्कुल ठीक है ना साथियों। प्रियांशु गुप्ता, अनीता सैनी, गोविंद चौधरी, प्रियांशु, रवि कुमार, लोकेश, रवि, प्रियांशु, DS पोडवाल, लवकुश चौधरी, गौरव नारवार, सभी साथियों को नमस्कार। देवी सिंह नमस्कार, कपिल प्रजापति वे, राम राम भाई, सभी साथी फटाफट शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाएँ। ठीक है साथियों, आवाज़ बिल्कुल आज सही आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मोनू फिर फायर, राम राम भाई, बिल्कुल मोनू भाई। देखिए कल एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, इस क्वेश्चन को कैलेंडर का है, इसको कराने के बाद तुरंत हम रैंकिंग टेस्ट कराएंगे आपको। ठीक है ना, टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आपको रैंकिंग टेस्ट के आने वाला हूँ दोस्तों। जब तक विद्यार्थी जुड़ते रहेंगे तब तक, और मैं आपको ये जो कल क्वेश्चन 10-10-2000 वाला जो क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने बोला था, उसके लिए मैं आपको करा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन में आपको। काजू शर्मा बेटा नमस्कार, राम लखन भाई राम राम, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें दोस्तों बाद में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। चलो ओके कर दीजिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे जुड़ते रहेंगे, जब तक रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट होगा तब तक मैं एक विद्यार्थी और जुड़ेंगे, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं दोस्तों 10-10-2000 के को। दीपेश भुसावर भाई राम राम, ठीक है दोस्तों, ये 10-10-2000 को क्या बार है। गौरव शर्मा नमस्कार, इसको समझा देता हूं बेटा एक बार, फिर अपन रैंकिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल रैंकिंग टेस्ट ही स्टार्ट होगा अभी आपका, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद रैंकिंग टेस्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है साथियों, और उससे पहले जो कल मैं क्वेश्चन देकर के गया था, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने साथियों का आंसर सही होगा। क्लियर, तो देखिए दोस्तों 10-10-2000 को क्या बार होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 10-10-1999 का बार निकालना है, क्या बार होगा ये आपको क्यों करना था बेटा। शताब्दी अगर दे देता है तो उससे पहले की वर्ष आपको निकालनी है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, SS गेमिंग राधे राधे भाई, देखिए तो 1999 को क्या बार था, तो 1999 से पहले वर्ष थी 1998, इसके तीन भाग करने दोस्तों, शताब्दी 1900, वर्ष 98 और लीप वर्ष 24। गौरव शर्मा बोल रहे हैं मिठाई खिला दो लाला के जन्मदिन की, काजल धाकड़ राधे राधे। गौरव शर्मा बिल्कुल बेटा, मिठाई खिलाएंगे, आपने कहा नहीं, निश्चित रूप से आप आ जाइए, मिठाई खिलाई जाएगी आपको। ठीक है, प्लस देखो ये हो गया 1900 प्लस 98 प्लस 24 प्लस दिनों की संख्या। अब इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के महीने की वो बात कर रहा है। ठीक है भाई, एम के, लोकेश, गजेंद्र, सही बोला भाई, अजय राज बोल रहे हैं, सही बोला भाई, बिल्कुल बेटा अजय भाई। देखिए जनवरी में 3 दिन होते हैं, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, इसमें 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 10 तारीख है, तो बेटा 3 बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको दिनों की संख्या, तो इसको टोटल करेंगे 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बेटा 24 जोड़ हो रहा है, इस 24 में 7 का भाग देंगे तो 7 21 3 शेष बच गया, तो बेटा 3 अपन इसमें लेंगे, इनमें सब में 7 का भाग, इसमें 400 का भाग, 400 का 16 से 300 बच गया, 300 का मतलब 1 है, 14 7 8 में 0 बचेगा, 7 21 3 बच गया और 3 ये हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 0 बच रहा भाई इसमें। तो रविवार आ रहा है सर, संडे आया था, अनीता सैनी बोल रही है संडे आएगा, ये रविवार आ रहा है बिल्कुल, लेकिन रविवार किसका आ रहा है ये आप ध्यान रखना, रविवार आ रहा है 10/10/1999 को, इसको रविवार आ रहा है आपका, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा था 10/10/2000 को, तो बेटा 10/10/1900 से 10/10/2000 के लिए एक वर्ष आगे जाते हैं और एक लीप वर्ष भी है, तो 2 जोड़ देंगे इसमें, रविवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार, तो आपका जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा। प्रियांशु गुप्ता मंगलवार बता रहे, बिल्कुल सही है, सैनी 22/67 संडे बता रहे, बेटा संडे होगा, 10/10/1999 को रविवार होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन भाई ने प्रश्न पूछा 10/10/2000 को क्या बार होगा, तो मंगलवार होगा। हेमंत सैनी, हेमंत सैनी सर नमस्कार, बेटा नमस्कार। ठीक है दोस्तों, अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है जैसा कि थंबनेल में डाल रखा है, और थंबनेल में जो टॉपिक डाला है बेटा वो रैंकिंग टेस्ट डाला है, तो रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन लेकर के मैं अब आपको आ रहा हूँ। सभी साथी हाँ सर, रविवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगल आएगा, बिल्कुल भाई। रामकिशन गुर्जर नमस्कार बेटा, जुड़ने के लिए भाई धन्यवाद, बिल्कुल साथियों। अब रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। लपकेश चौधरी राम राम, सर दोबारा बता दो एक बार और। हेमंत सैनी बोल रहे बेटा आप वीडियो को देख लेना, लास्ट में और वीडियो डाल दिए मैंने, उनमें आप देख लीजिए, दोबारा इसको रिकवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप समझिए रैंकिंग टेस्ट के बारे में। कपिल गुर्जर बोल रहे हैं राम राम गोलू के पापा, अरे बेटा कोई नहीं, राम राम मतलब गोलू के पापा बोल रहे हैं क्या, आपके गुरुजी नहीं लगते हम, चलो कोई नहीं, बाकी गुरुजी तो आपके भी लगते बेटा, आप गुरुजी भी बोल सकते थे, ये तो तब बोलते हैं जैसे आप मैडम होती, औरतें नाम नहीं लेती हैं तब वो बोलती है, तो आपके तो गुरुजी लगते, गुरुजी बोल सकते हैं बेटा, कपिल भाई निश्चित है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा आप जानते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्त, सभी दोस्त, गोपीस भाई टी, राधे राधे भाई, गोपी सेंस भाई टी, पता नहीं क्या तो नाम है दोस्त का, जो भी नाम है अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नोट करें आप फटाफट से, हेमंत सैनी भाई देखिए क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर पहला है किसी पंक्ति में, नोट कर लें, किसी पंक्ति में ए का बाएं से 18वां स्थान तथा इसका दाएं से 25वां स्थान है, तो बताएं कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो बताएं कुल विद्यार्थी कितने हैं। बेटा ऑप्शन ए है मेरा 43, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, सभी साथी ऑप्शन बिल्कुल आराम से देख लें और ऑप्शन देख करके आंसर जरूर दें भाई। अब देखिए आंसर जो दे रहे हैं, गोपी सेन बोल रहे हैं बिल्कुल, गोपी भाई 42 बता रहे हैं, काजू शर्मा आंकड़े अपर्याप्त बता रहे हैं, सैनी 42, गजेंद्र गुर्जर हकी ले वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हेमंत सैनी 42, हरिओम गुर्जर भी 42, सपना चौधरी पथेना नमस्कार बेटा जुड़ने के लिए धन्यवाद, रवि कुमार 42, मनीषा सैनी ने डिलीट कर दिया, एम के मालपुर 42, चेतन डी बता रहे हैं, काजल धाकड़ 42, क्लियर दिख रहा है गुरुजी आज तो, लपकुश बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल भाई क्लियर दिख रहा है, धन्यवाद और आंसर भी देते रहे बेटा, अस्सी बंसल भी
अनिता सैनी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। चेतन डी, महेंद्र मीना सर आंसर 42, देवी सिंह डी, रामलखन बी, सैनी 42, प्रदीप बी, गजेंद्र बी, अनिता, सभी साथियों का हमिंदर वंदना, नमस्कार बेटा, रवि कुमार 42, होमेंद्र 42, अनिता सैनी डी, लवकुश डी, रवि कुमार 42। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा लवकुश डी, प्रियांशु डी, जो डी बता रहे हैं उन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है कंप्लीट, क्योंकि सर दोनों मध्य के विद्यार्थी ज्ञात नहीं है। काजू शर्मा बेटा, ये विद्यार्थी एक ही तो है, इसमें दो विद्यार्थी कहाँ है जो मध्य के विद्यार्थियों की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, क्वेश्चन करते समय चित्र बना के करो, कभी गलत नहीं होगा। तो देखो एका ये पंक्ति है, इधर से एका स्थान 18वां है, देखो 18वां है बाएं से, तथा इसका मतलब इसी एक ही बात कर रहा है, एका इधर दाएं से कौन सा स्थान है 25वां, देखो ये 25वां इस एका, तो एका दोनों तरफ से दे रखा है, तो बीच में विद्यार्थियों की जरूरत क्यों पड़ेगी। दो अलग कंडीशन नहीं है बेटा, एक ही व्यक्ति है, दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का स्थान दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, ये दोनों तरफ से देखो, इधर से स्थान भी दे रखा है, इधर से स्थान, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, तो इसके इधर तो 17 है और इसके इधर भैया 24 है, तो देखो 17 और 24 41 तो ये अगर खुद ये है, तो टोटल आंसर 42 आएगा। आपका आंसर कितना होगा 42, और सूत्र द्वारा करना चाहते हैं तो सूत्र होता है दायां प्लस बायां माइनस एक, तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है दायां प्लस बायां माइनस एक। सर मैं भी समझी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ा करो। आशीष चौधरी भाई राम राम, देखिए क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ा करो, तब दायां प्लस बायां माइनस एक होगा। सूत्र से करना चाहे तो 18 प्लस 25 माइनस एक, 43 माइनस एक बराबर 42 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आंसर आएगा 42, अनिता भाई बिल्कुल 42 आएगा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, क्वेश्चन नंबर दो है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 19वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 13वां स्थान है, तो बताएं कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो बताइए कुल विद्यार्थी कितने। ऋषभ हाय अनीता जी, बेटा ऋषभ भाई पर्सनल मैसेज ना करें, ब्लॉक कर दिया जाएगा, पर्सनल किसी के बारे में कोई कमेंट ना करें ना कोई मैसेज करें, ठीक है। भज्जू जाट भाई राम राम, ऋषभ नमस्कार, ऋषभ भाई ये काम नहीं होना चाहिए कि किसी का नाम लेके इसमें कमेंट ना करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन, ठीक है। कपिल फौजदार सर नमस्कार बेटा, हरिओम धाकड़ आंकड़े पर्याप्त हैं, हरिओम गुर्जर, निकिता जागड़ आंकड़े पर्याप्त हैं। देखते हैं बेटा, ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है इसका 32, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त हैं, आंकड़े पर्याप्त हैं, ये इसके क्वेश्चन हैं। आशीष आंकड़े पर्याप्त, देवी सिंह आंकड़े पर्याप्त, अनिता सन्नू सैनी 31, निकिता जागड़ आंकड़े पर्याप्त हैं, रवि कुमार 31, सैनी भी 31, गोपी डी बता रहे हैं आंकड़े पर्याप्त, प्रदीप कुमार वल्लभगढ़ डी बता रहे हैं, चेतन डी बता रहे हैं, हर्षिता चौधरी डी बता रहे हैं, अनिता सैनी जी जी तेरे को हर रोज क्लास के बारे में बताना पड़ता है, अपने आप ले लिया कर, प्रियांशु बी ऑप्शन डी, काजल डी, मनीषा डी, प्रियांशु बी, प्रियांशु बता रहे हैं कि बी है सर, कौशल भोतोलिया भी बी बता रहे हैं, ओपी शर्मा डी बता रहे हैं, सिंगल अवेयर डी, एम के मालपुर डी आंकड़े पर्याप्त, लवकुश आसी रवि बी बता रहे हैं, एम के डी लवकुश डी, प्रदीप कटारा सर ऑफलाइन क्लासेज में नहीं कराओगे क्या ऐसे सभी को, क्वेश्चन बताओ। प्रदीप कटारा बिल्कुल कराएंगे ना, ऑफलाइन क्लासेज में क्यों नहीं कराते, कराते हैं ना, सभी क्वेश्चन कराए मैंने। लवकुश डी, सपना चौधरी ए बता रहे थे जिन्होंने डिलीट कर दिया, ऋषभ भाई बी बता रहे हैं, काजू शर्मा 31, रामलखन 31, अंकित खेरो डी, सर इनमें दो
व्यक्ति अलग अलग हैं इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। कपिल फौजदार पत्थर 31। बेटा इसका आंसर 31 नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा और वो डी होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े पर्याप्त हैं। सर इसमें दो व्यक्ति हैं, देखिए एक तो नाम ए है यानी राम है, एक का नाम राम है, बीच के स्टूडेंट नहीं दे रखे सिंगल। अबे बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें विजन की बोल रहा हूँ, ऐसे सभी टॉपिक के क्वेश्चन हमारे एग्जाम से पहले रिवीजन की बोल रहा हूँ। हाँ रिवीजन प्रदीप कटारे बिल्कुल होगा, और मैं इसीलिए तो लाइव क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन ही तो कराता हूँ रोजाना। लाइव क्लास का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या बताया मैंने, आंकड़े पर्याप्त। क्यों बताया है आंकड़े पर्याप्त? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति, एक तो राम है और एक कौन है श्याम, दो अलग अलग व्यक्ति, एक का स्थान बाएं से दूसरे का स्थान दाएं से दे रखा है, तो हमें पता नहीं है कुल विद्यार्थी मध्य में कितने हैं। देखिए सन्नु सैनी बोल रहे हैं क्यों है सर, क्योंकि राम का स्थान, देखिए डायग्राम देखिए, इधर से राम का स्थान है हमारा 19वां, इधर से श्याम का स्थान है हमारा 13वां। बेटा इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं आपको क्या पता? सन्नु सैनी समझ गए होंगे मेरी बात को, इन दोनों के मध्य के विद्यार्थी ज्ञात नहीं है, इस वजह से आंकड़े अपर्याप्त होंगे, ठीक है ना, आंकड़े पर्याप्त होंगे। तो मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अनीता सैनी बोल रही है नेक्स्ट बोलिए सर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके चलेंगे अगला। देवी सिंह बोल रहे हैं ओके सर, ठीक है ओके, तो अगला क्वेश्चन नोट करें। प्रकाश कटारा सर हाँ लाइव क्लास नहीं ले सकते इसलिए बोल रहे हैं, आज ही ले ली बस। प्रदीप कटारा बेटा लाइव क्लास क्यों नहीं ले सकते, कोशिश करें, समझ में आ गया सर। देवी सिंह ऑफलाइन क्लासेज में भी क्वेश्चन तो करा रहे हैं, ठीक है ना। सुंदर कुमार अनीता हाय पागल हैं यार ये लोग, सुंदर कुमार पता नहीं कौन है, पर्सनल नाम लेके मैसेज ना करें यारों, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रियांशु गुप्ता ओके सर, ठीक है देखिए क्वेश्चन देखिए अगला। किसी पंक्ति में ए का बाएं से किसी पंक्ति में ए का बाएं से 20वां स्थान है तथा बी का दाएं से 25वां स्थान है, इन दोनों के मध्य 10 विद्यार्थी हैं, इन दोनों के मध्य 10 विद्यार्थी हैं, तो बताइए कि पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे? तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गौरव सैनी भाई राम राम, लव कुश यार गुड इवनिंग, प्रियांशु आगे क्वेश्चन करें, बिल्कुल भाई। गोपी बोल रहे हैं 33 आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन ए है मेरा 55, ऑप्शन बी है मेरा 33, ऑप्शन सी है मेरा 35, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों देखते हैं कितने आंसर सही बता रहे हैं। लोकेश गुर्जर राम राम भाई, गोपी 33, गुदेवी सिंह 33 सिंगल, अभय 33, हरिओम 33, रवि कुमार 54, आशीष 33, सुंदर कुमार 33, सन्नू सर तुम तो पढ़ाओ बिल्कुल, सैनी 55, काजल धाकड़ बी यानी 33, सिंगल अभय बी, कौशल भटुलिया बी 35, प्रदीप कुमार 33, प्रियांशु बी, सैनी 22 सर 55, प्रियांशु 35, शन्नु सैनी 33, अंकित खेरो एम के मालपुर 55 बता रहे हैं, लोकेश गुर्जर 33, प्रदीप कटारा सी बता रहे हैं 35 बता रहे हैं प्रदीप कटारा। बेटा प्रदीप कटारा आंसर सही बताइए, आप अगर ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है क्लास के अंदर, ठीक है। भज्जू जाट भी बता रहे हैं अनिता सैनी 43 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अनिता सैनी 43 तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, हर्षिता 33, चेतन भज्जू भाई एम के मालपुर 33, अंकित खेरो 80,
प्रदीप कटारा 35, गौरव सैनी ने डिलीट कर दिया, कपिल फौजदार पथेना 42, बी बतारिया ने 33। कपिल भाई बिल्कुल आप तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। लोकेश भाई आप तैयारी करते हैं, 43 बता रहे हैं, लेकिन इसमें 43 ऑप्शन में नहीं है। प्रियांशु गुप्ता, होमेंदर सिंह 33, वंदना 33, चरण सिंह मीना, जो 43 बता रहे हैं वो इनमें से कोई नहीं बोले ऑप्शन। अंकित खैरो 33 करेक्ट है, सॉरी सर मध्य के विद्यार्थी नहीं काटे इसलिए 43 आया था, बट 33 इसका आंसर है। चलो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ऋषभ काजू, सभी साथियों का आंसर आ चुका है और मैं नरेश कुमार का भी आ गया है। देखिए साथियों, इसका जो आंसर होगा वो किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पर मध्य के विद्यार्थी 10 दे रखे हैं आपके और ए का बी का दाएं से स्थान दे रखा है, तो न्यूनतम विद्यार्थी पूछा है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, मध्य के विद्यार्थी अगर दे रखे हैं तो न्यूनतम विद्यार्थी होता है दायां प्लस बायां, देखो दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस दो, दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस दो, ये आपको सूत्र बताया होगा न्यूनतम के लिए, ठीक है। तो दायां प्लस बायां 45 माइनस 12 बराबर 33 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 33। तो आपका आंसर जो होगा वो 33 होगा, दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस दो। अभी बंसल बोल रहे हैं, 80 बंसल, सर आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमेशा कम की तरफ ही चलते हैं क्या? बेटा इस क्वेश्चन में कम की तरफ नहीं चलते, इसमें तो आप अधिकतम की तरफ भी चल सकते हैं। वो कम की तरफ कब चलते हैं? जब बीचों बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बैठा होता है उस स्थिति में कम की तरफ चलते हैं, बाकी इसमें तो आप कम की तरफ भी चल सकते हैं और ज़्यादा की तरफ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल समझ होंगे मेरी बात को। 80 बंसल भाई, रामलखन 80 भाई, देखिए मैं इसका आंसर आपको चित्र बना के भी समझा देता हूँ, जब आपने ये बात की है तो निश्चित रूप से मैं चित्र बना के समझाऊंगा। देखिए न्यूनतम बोला है इसमें, न्यूनतम के लिए क्रॉस होता है चित्र के अंदर, ये क्रॉस कर दिया दोस्तों मैंने आपको। ऑफलाइन क्लासेज में जो विद्यार्थी पढ़ता है उनको सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको। तो देखिए ए का बाएँ से 20वां स्थान है, यहाँ पर ए का 20वां स्थान है, इधर से बी का जो स्थान है बेटा वो 25वां है, दोनों के मध्य में 10 विद्यार्थी, इस तरीके से आपका ये चित्र बनेगा, ठीक है। 80 हाँ जो भी है 80 कोई बात नहीं। हेलो सर हमारी चैट आ रही है क्या? चरण सिंह मीना बोल रहे हैं, बिल्कुल बेटा चरण सिंह आपकी बात आ रही है, बताइए आपकी कोई समस्या है तो। चरण सिंह हो सकता है जल्दीबाजी में नाम नहीं आता हो, चरण सिंह मीना बिल्कुल आपकी आ रही है, आपने 33 आंसर बताया था। रामलखन ओके भाई, देखिए देखिए ये चित्र बनेगा। अब आप इसमें कम की तरफ या अधिक किधर भी तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अधिक की तरफ करके बताऊं, बी से इधर करके बताता हूं मैं, बी के इधर 24 विद्यार्थी हैं दोस्तों, कितने 24, इन 24 में से आपको कितने देख रहे हैं 10, 1 और 11 देख रहे हैं आपको, देखो 10 और 1 11, 24 में से 11 गया तो कितना बच गया बेटा 13 बच, 24 में से 11 गया तो 13 बच गया, तो ये 13 इधर हो गए, 20 तो ये और 13 इधर, तो 20 और 13 टोटल हो गया 33 दोस्तों, कितना 33, ये आंसर आ गया 33, ठीक है बिल्कुल दोस्तों सभी का सही है। और गोपी बोल रहे हैं 25 प्लस 8 बराबर थे, हाँ इधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 25 अगर यहाँ तक है तो देखिए यहाँ से तुलना करूँ मैं, इसके इधर आपको पता है इसके इधर कितने बेटा 19 हैं, 19 में से आपको 11 दिख रहे हैं तो 8 बच गया, 25 और 8 33, बिल्कुल आपका ये भी करेक्ट आंसर है। शनु सैनी बोल रहे हैं चित्र बना के, बेटा बिल्कुल चित्र बना के मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी साथी अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से आप समझने का प्रयास करें, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को बाद में देख लें, आराम से अभी देख लो और बाद में डल जाती है वीडियो, उसके बाद में भी आप आराम से देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा, किसी पंक्ति में ए का बाएं से 16वां स्थान है तथा बी का दाएं से 25वां स्थान है, तो बताएं इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो बताएं इस पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं, न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं। देखो दोस्तों ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जरूर है, तो एक दिन की क्लास में, आज की क्लास में नहीं होगा, आज भी होगा कल दो दिन आपका ये टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। तो ये ना सोचे आप कि ये दो दिन टॉपिक चल रहा है तो दो दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना दोस्तों। इसका जो आंसर रहेगा, कुछ विद्यार्थी तो इसका आंसर भी देने लग गए,
काजल धाकड़ नेक्स्ट, आशी बंसल बोल रहे हैं सर कम की तरफ कम चलते हैं, कम की तरफ चलते हैं जो बीचों बीच में तीसरा कोई व्यक्ति बैठा होता है ना। कपिल फौजदार ओके, हरिओम 25 बता रहे हैं, शनु सैनी ओके सर, गोपी 25, चरण सिंह मीना 25, निकिता जांगड़ 25, प्रदीप कटारा 26, गौरव नारवर 25। बेटा ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको हर्षिता, देखिए बेटा ऑप्शन ए है मेरा 26, ऑप्शन बी है मेरा 25, ऑप्शन सी है मेरा 16 और ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त। अब देखते हैं दोस्तों, नरेश कुमार 25, रामलखन 25, प्रदीप कटारा 25, सन्नू सैनी 25, किसका आंसर है? सबका तो आ रहा है 25, प्रदीप कुमार वल्लभगढ़ 25, कपिल फौजदार पथेना स्टार, अनीता सौरभ सिंहराज, अन्नी सैनी, हर्षिता चौधरी, आशीष गौरव, काजू, प्रदीप कुमार, देवी सिंह, पवन, गौरव, सभी दोस्तों का, चेतन सिंह, काजू, अंकित खैरो, काजल धाकड़, अंकित खैरो 25। बेटा नाम आ गया आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इसका आंसर 25 होगा दोस्तों, ठीक है। कितना होगा? 25। क्यों होगा 25? किसी पंक्ति में एका भाई से, तो देखिए जब किसी, मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से समझाया था कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है और किसी विद्यार्थी की टेस्ट में रैंक यदि 50वीं आ जाती है और एक विद्यार्थी की रैंक 30वीं आ जाती है तो 50वीं रैंक तभी तो आएगी जब 50 विद्यार्थी होंगे। तो यानी ये जो रैंक है 25वां स्थान जो आ रहा है, 25वां स्थान तभी तो होगा जब कम से कम 25 विद्यार्थी तो होंगे होंगे, ये निश्चित है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर 25 आएगा, 100% सभी साथियों का सही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की तैयारी अच्छी है और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है इसको बरकरार बनाए रखें, अच्छे से इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें दोस्तों। जो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, इसके माध्यम से आप आंसर भी बता रहे, बहुत खुशी की बात है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े आप दोस्तों। लवकुश जाट भाई भी, लोकेश गुर्जर 25, सपना बी, ऋषभ, लोकेश, सभी साथियों का आंसर सही है और निश्चित रूप से अनिता सैनी ने नेक्स्ट के लिए भी बोल दिया है और भी विद्यार्थी, क्रियांशु गुप्ता ने भी, लवकुश यार, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। कपिल फौजदार ने भी नेक्स्ट किया है, प्रियांशु नेक्स्ट, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, किसी पंक्ति में एका बाएं से, बेटा देखो मैं ए और बी बार बार लिख रहा हूं, आप नाम भी लिख सकते हैं राम श्याम मोहन जो भी लिखना चाहे, ठीक है ना। तो किसी पंक्ति में एका बाएं से 13वां स्थान है, 13वां स्थान, तथा बी का दाएं से 18वां स्थान है, 18वां स्थान है। यदि पंक्ति में कुल विद्यार्थी 25 हैं, कुल विद्यार्थी 25 हैं, तो बताइए दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे, तो बताइए दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन ए है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी इतने हैं तो दोनों के मध्य के विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है दोस्तों, तो आपको बताने हैं दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों देखो जो लाइव क्लास के बच्चों की संख्या है वो कभी 49 कभी 50, इसको 50 प्लस करिए बेटा, 50 से ज़्यादा करने का प्रयास करें। सुंदर कुमार 4 बता रहे हैं, काजू, देवी सिंह, आशीष, गोपी, गौरव, अंकित, सन्नू, सर टेस्ट कब लोगे पहले के टॉपिकों का? बिल्कुल लेंगे टेस्ट भी, निश्चित रहें। सोन सिंह 25, ठीक है दोस्तों। ऋषभ हरिओम, MS म्यूजिक कंपनी 4, MS म्यूजिक कंपनी जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका चैनल भी इसी तरीके से बहुत ग्रो करेगा सर, निश्चित रहें, ठीक है। MS म्यूजिक कंपनी लगातार 4 आंसर दे रही है, क्या बात है, आप भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर व्यू भाई राम राम, जुड़ने के लिए धन्यवाद, काफ़ी समय बाद आप जुड़े हैं स्क्वायर व्यू। तो सभी साथी आंसर दे रहे हैं, चेतन सिंह 4,
प्रदीप कटारा 44, अच्छा 4 बता रहे हैं, वो 44 लिख रहे हैं शायद, या 44 बता रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। गौरव सैनी सी यानी 4 बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों, देखते हैं। सन्नू सैनी, सर किस में से क्वेश्चन बोल रहे हो? क्वेश्चन से पहले ही आंसर आ जाता है बेटा। ये सन्नू सैनी ये विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेज में भी पढ़ रहे हैं मेरे से, तो ये आंसर इसलिए क्वेश्चन में किसी से नहीं बोल रहा, मन से बना के बोल रहा हूँ फिलहाल, मन से बना के, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों की क्या है कि तैयारी अच्छी है इसलिए फटाफट आंसर दे रहे हैं बेटा। ऑफलाइन क्लासेज में ये लोग पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और अब सपना चौधरी पता है ना, 5 बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह बता रहे हैं। सपना बेटा आप क्यों अलग बता रहे हैं? बिल्कुल अभी 50+ आपके हो चुके हैं, बहुत खुशी की बात है मुझे। और इसी प्रकार से आप 50+ रखें लगातार, ये मैं आपसे आशा कर रहा था अभी, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, लाइव विद्यार्थी जुड़ने वालों की संख्या 50+ होनी चाहिए, वो आपने कर दी तुरंत, क्या बात है सर। भूमेंद्र सिंह 4, अनीता सैनी 4, गौरव सैनी। बेटा अनीता आपने जो लिखा है 13+18-25 तो 4 नहीं होता, 31 में से 25 जाते हैं जब, तो 6 बचता है, आपने 4 कैसे लिखा अनीता सैनी है। कपिल फौजदार सर नेक्स्ट, बिल्कुल नरेश कुमार 6 बता रहे हैं, काजू शर्मा 6, अनीता सैनी सॉरी नेक्स्ट खत्म, नेट खत्म बोल रहा है प्रदीप खटार। बेटा दिन में नेट को कम यूज लिया करें तब नेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी तो नेट खत्म नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। गौरव भाई नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 4 आ रहा है आप लोग बता रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। मध्य के विद्यार्थी ज्ञात करने हैं, तो मध्य के विद्यार्थी 2 स्थितियों में निकलते हैं, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 है और दाएं बाएं का योग यहाँ पर 31 हो रहा है, तो आपको मैंने नोट करके लिखाया होगा कि यदि दाएं बाएं का योग से कुल कम है, कुल कम है, कुल कैसा है कम, तो बेटा स्थिति न्यूनतम की बनती है। तो स्थिति किसकी बनती है? न्यूनतम की। और न्यूनतम की जब स्थिति बनती है तो मध्य के विद्यार्थी सूत्र द्वारा अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, मध्य के विद्यार्थी बराबर होता है जो ज़्यादा होता है उसमें से घटाते हैं, दायां प्लस बायां माइनस कुल माइनस 2, ठीक है। तो दायां प्लस बायां जो होगा 13+18-25-2, तो 31-27=4 होगा दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना होगा दोस्तों 4। बेटा नेक्स्ट कर रहे हैं प्रदीप भाई, लेकिन आंसर तो बताना जरूरी होता है, तरीका समझाना जरूरी होता है, तो उसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा दोस्तों। अगर इसका डायग्राम बना के करना चाहें तो डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि विद्यार्थियों देखो डायग्राम क्या बनता है, न्यूनतम का बनेगा तो क्रॉस होगा इस तरीके से, क्रॉस होगा तो ए का बाएं से 13वां स्थान है और बी का इधर से 18वां स्थान है बेटा, ठीक है। और इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी आपके पास 25 हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ तक जब 13वां स्थान है तो इसके इधर निश्चित रूप से 12 होंगे, क्योंकि 13 और 12 25 होते हैं, इधर से इसका स्थान 18वां है तो इसके इधर 7 होंगे, क्योंकि 18 और 7 कितने होंगे बेटा 25, तो इस पूरी लाइन में टोटल 25 हैं जिनमें से आपको दिख रहे हैं 12 है, 13, 14 है और 7 21, तो आपको 21 तो दिख रहे हैं, 25 में से 21 दिख रहे हैं, कितने बच गए 4, तो जो कि मध्य में होंगे 4 विद्यार्थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको चित्र द्वारा बनाया जाएगा। सर माइनस 2 नहीं कि क्या न्यू का ध्यान नहीं रहता रहा। गौरव सैनी सर नेट, रामलखन ओके, शनु सैनी नहीं सर, अंकित ओके सर, चलो ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी ये पूछ रहा हो तो माइनस 2 क्यों किया, तो माइनस 2 बेटा इसलिए करते हैं जब इसको गिनते हुए जा रहे थे 13वां स्थान था तो इसमें बी गिना आ रहा था, इधर से गिनते हुए आ रहे थे जब इसका 18वां स्थान था इसमें ए गिना आ रहा है, तो ए और बी दोनों को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं माइनस करते हैं, इस वजह से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए। अशोक गुर्जर भाई राम राम, जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरव सैनी नमस्कार बेटा, धन्यवाद सभी साथियों का। देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, इस वीडियो को जो चलती है हमारी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाएँ, ठीक है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तभी अच्छा रहेगा, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है और बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, इसी प्रकार रोजाना लाइव लगातार देखते रहें, आपका पेपर होगा तब तक हमारी क्लास लगातार रहेगी आपकी, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बाप क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है किसी पंक्ति में ए का बाएं से, किसी पंक्ति में ए का बाएं से
स्टडी पथ बोलने सर सृष्टि में पढ़ाने कब आओगे बेटा? स्टडी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए गुरुजी से संपर्क करें, आप कोचिंग के मालिक से संपर्क करें, गुरुजी से संपर्क करें, ठीक है ना? कपिल फौजदार बिल्कुल भाई। राहुल सैनी सर मैं लेट हो गया सॉरी। कोई बात नहीं राहुल भाई, लेट हो गए तो अभी जो चल रहा है उसको आप देखते रहें, इससे पहले जो हो चुका है उसको वीडियो डलने के बाद आप निश्चित रूप से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा आराम से। किसी पंक्ति में एका बाई से बीसवां स्थान है, बीसवां स्थान है तथा तथा बी का दाएं से पच्चीसवां स्थान है, बी का दाएं से पच्चीसवां स्थान है। गजेंद्र गुर्जर बोल रहे हैं सभी भाई गुरुजी का समर्थन करें और शेयर करें, लाइक करें। बिल्कुल भाई लाइक भी करते रहें, अभी लाइक की संख्या मुझे कम दिखाई दे रही है, जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उससे कम लाइक दिख रहे हैं, तो लाइक भी कर दें आप। तब तक क्वेश्चन जो वीडियो चल रही है इसको फटाफट, लाइक का ऑप्शन है आपके सामने, उसमें लाइक बटन ओके कर दीजिए, फटाफट से लाइक बटन ओके कर दीजिए। ओके सर मैंने आज पढ़ लिया है, राहुल सैनी बोल रहे हैं। बिल्कुल भाई राहुल सैनी धन्यवाद, लाइक की संख्या बढ़ाइए फटाफट से, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में एका बाएं से बीसवां स्थान है तथा बी का दाएं से पच्चीसवां स्थान है, यदि इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी 53 है तो बताएं दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं बेटा? ये आपके क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, अंकित खेरो आंसर 8 बता रहे हैं। बेटा आंसर का ऑप्शन सुनिए आप, ऑप्शन ए है मेरा 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देवी सिंह 7 बता रहे हैं, पहले मैं देख लेता हूँ क्या कहना हो रहे, बच्चों ने खूब सारे आंसर दे दिए। अंकित गोपी आशीष चौधरी गोपी गौरव नारवार 6 बता रहे हैं, चरण सिंह मीना 8 बता रहे हैं, निकिता जांगड़ 8 बता रहे हैं और राहुल सैनी। सभी भाई बहन लाइक शेयर जरूर करें। बिल्कुल भाई राहुल धन्यवाद आपके प्यार के लिए। सीताराम सैनी 8, देवी सिंह 7, अनिता सैनी 8, सुंदर 6, अंकित खैरो सी का मतलब 8, अन्नी सैनी 8, राहुल सैनी 8, हर्षिता चौधरी सी, गौरव सीताराम अज सिंगल अवे, आशीष गजेंद्र स्क्वायर व्यू, सीताराम अंकित हुमेंदर स्टडी पाथ से, काजल धाकड़ चेतन सतवीर प्रदीप लक्ष्मी सैनी भी, अभी तक विद्यार्थी लक्ष्मी सैनी ने बी यानी 7 बताया है। देखते हैं साथियों क्या आंसर होने वाला है। सपना चौधरी पथेना 8, ऋषभ 8, काजू शर्मा 8 या डी, 8 या डी दोनों नहीं हो सकते काजू बेटा, या तो 8 होगा या डी होगा, दोनों में से दोनों केस हो जाएंगे, ये तो गलत बात है, दोनों नहीं हो सकते, एक होगा, दोनों केस हो जाएंगे, ठीक है? काजू प्रियांशु गुप्ता 8, प्रियांशु 8, असी बंसल 8। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए रामलखन 8, सुंदर कुमार सर दिल्ली पुलिस के फॉर्म चालू हो गए क्या सर जी? बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जगह आ रही हैं और आ चुकी हैं लगभग, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जो होंगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, लेटेस्ट विज्ञप्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होंगे उन सबकी वीडियो में लेकर के रविवार को आऊँगा दोस्तों, ठीक है? उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं रविवार को दूंगा आपको। पुष्पा सैनी राम राम भाई, राम राम बेटा जुड़ने के लिए धन्यवाद। काजू शर्मा 8, स्टडी पाथ सी। तो देखिए दोस्तों मैंने बोला ए का बाएं से बीसवां स्थान है, बी का दाएं से 25वां स्थान है, तो दोनों का जोड़ 45 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 45, दाया बाएं का योग 45 है और पंक्ति में कुल विद्यार्थी 53 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दाया बाएं के योग से अधिक है, तो अधिक की स्थिति बन जाती है और अधिक की जब स्थिति बनती है तो कुल ज़्यादा है, कुल यानी अधिक है, कुल कैसा है अधिक है, तो आप डायरेक्ट कर दोगे फिर, तो कुल में दाएं बाएं के योग को डायरेक्ट घटा देते हैं तो 53-45=8 आएगा, इसमें माइनस दो नहीं करते बेटा, माइनस दो नहीं करते क्योंकि अधिकतम की स्थिति है,
अधिकतम की स्थिति माइनस दो नहीं करते, वो चित्र द्वारा भी मैंने आपको बताया होगा, तो चित्र द्वारा भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ए का स्थान बनेगा इधर से 20वां और इधर से बी का स्थान बनेगा 25वां। टोटल विद्यार्थी देखो 45 तो ये हो गए और 8 बीच में होंगे तो टोटल 53 हो जाएंगे बेटा। तो 8 इनके अलावा हैं, ए और बी के अलावा 8 हैं, ठीक है ना। तो आंसर सी होगा इसका, आंसर क्या होगा सी। आशीष चौधरी बिल्कुल नेक्स्ट बढ़ रहे हैं बेटा, हो गया अब भाई चालू, लास्ट डेट 16 तारीख है। बिल्कुल बेटा निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, पुष्पा सैनी यूनिकल कोचिंग से हूँ सर। पुष्पा बिल्कुल बेटा मैं आपको जानता हूँ, आप यूनिकल क्लासेस से हैं, समूची गांव है आपका, गुरुजी के घर से हैं आप, घर में से हैं, बिल्कुल बिल्कुल पुष्पा सैनी बेटा आप अच्छी तैयारी करते हैं और कंटिन्यू क्लास को बनाए रखें और लगातार देखते रहें, आंसर भी आपको देने हैं, लेट जुड़े हैं शायद आप सभी साथी आंसर देते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सभी साथी फटाफट से देखें अगला क्वेश्चन, ठीक है ना साथियों। पुष्पा सैनी थैंक सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा देखिए अगला क्वेश्चन मेरा यह है, किसी पंक्ति में ए का बाएं से 13वां स्थान है तथा बी का दाएं से 15वां स्थान है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो बी का बाएं से 19वां स्थान हो जाता है, 19वां स्थान हो जाता है, तो बताइए पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। सर आज लेट तक पढ़ाएंगे, पढ़ाना बिल्कुल राहुल भाई लेट तक पढ़ा देंगे। अनीता सैनी, मनीष हो गए, कपिल गुर्जर भाई राम राम, ए बी सी डी हाँ सर, लोकेश गुर्जर 8, अनीता सैनी, मनीष हो गए सर लेट तक पढ़ाएंगे। आंकड़े पर्याप्त 33 31 सर आपको रीजनिंग में एक्सपीरियंस बहुत है आपका, ए बी सी डी बोल रहे हैं, धन्यवाद बेटा बिल्कुल। अंकित खैरो 33 31 आंसर भी विद्यार्थी देने लगे हैं। अंकित खैरो ने 33 दिया है, सुंदर कुमार ने 31 दिया है, काजू शर्मा ने 31 दिया है। देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, आंसर ऑप्शन ए है इसका। देखिए सभी साथी ऑप्शन ए है, ये मैंने बी का 19वां स्थान बताया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है मेरा 32, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त। चलो आंकड़े पर्याप्त बोल रहे हैं तो आंकड़े पर्याप्त। काजू शर्मा बी एन 31 बता रहे हैं, ऋषभ भाई 31, अनिता सैनी 31, गौरव नारवर 31, राहुल सैनी 33, अंकित आंकड़े पर्याप्त 80, कपिल गुर्जर 31, अंकित खैरो सी, गौरव नारवर बी, यानी बी का मतलब 31, अंकित खैरो सी का मतलब 33, ए बी सी। चरण सिंह मीना 31, अंकित लोकेश गुर्जर 31, अन्नी सैनी बी और आशीष बंसल काजू नारवार सभी साथी आंसर दे रहे हैं। आशीष चौधरी सी, प्रदीप कुमार बल्लभगढ़ 31, चेतन सिंह आंकड़े पर्याप्त, नरेश कुमार 31, स्टडी पाथ 32 बता रहे हैं, कपिल फौजदार पथेना बी यानी कि 31 बता रहे हैं, प्रियांशु गुप्ता 31 बता रहे हैं, आशीष चौधरी 33, सपना चौधरी पथेना 31, लोकेश शर्मा 32, सर बी है वो मतलब 31, हाँ बी का मतलब 31 ही बेटा। काजू शर्मा मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात को, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आशी बंसल आंकड़े पर्याप्त हैं यानी डी बता रहे हैं। हरिशंकर लखेरा 31 बता रहे हैं। चलो साथियों आप लोगों के आंसर आ चुके हैं, अब मैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आंकड़े पर्याप्त बता रहे हैं। देखिए दोस्तों
मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको शायद ये बात क्लास में भी आज आपसे बोला था कि मैं बच्चों से शाम को पूछ के देखूंगा क्लास में कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं, और 90% विद्यार्थियों ने आंसर अभी गलत बताया है। 90 तो क्या बोलूँ मैं, 98-97% भी बोल दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि एक दो विद्यार्थियों ने सही बताया है। इसका जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। मुझे पता है विद्यार्थियों, जो आप आंसर बताने वाले थे, आप आंसर, क्योंकि आप लोग रटते हैं, आप लोग क्या करते हैं, रटते हैं, और रटने वाला कभी विद्यार्थी सक्सेस नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपसे क्लास में भी ऑफलाइन क्लास में यही बात बोलता हूँ कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देना तो आप भी घूम जाओगे, क्योंकि आप रटते हैं, टीचर से भी आपको रटाते हैं। ऐसी स्थिति है, मुझे खुद बहुत ऐसा लगता है कई बार जब बच्चे ऐसे आंसर देते हैं, सरल क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये लोग रटते हैं। अब आप आंसर मैंने जैसे बोल दिया तो आप बोलेंगे ये सही आंकड़े पर्याप्त हैं। सुंदर कुमार बोल रहे कैसे सर, बिल्कुल बेटा आपको मैं बताऊंगा। गोपेश मेरा सही है बेटा, बिल्कुल सही होगा। मैंने बोला सर उसकी स्थिति चेंज हो गई है, सिंगल अभय बोल रहे हैं। देखिए बेटा स्थिति चेंज नहीं हुई है, स्थिति वही है जो मैं बोल रहा था, ठीक है ना। अब आप देख लेना आप क्वेश्चन को, इसका जो आंसर होगा आंकड़े पर्याप्त है। मुझे पता था विद्यार्थी गलत बताएंगे, इसीलिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। देखिए भाइयों, एका भाई से रटने का काम खत्म करो यारो, 13वां स्थान। बी का दाएं से 15वां स्थान। देखिए एका भाई से और बी का दाएं से दे रखा है। अब स्थान परिवर्तन के बाद बाएं बाएं खाए बेटा, ये तो बी का दाएं से बोला है, खूब बोला है बी का दाएं से, ठीक है ना। अब स्थान परिवर्तन के बाद बी का बाएं से 15, बी का बाएं से 19वां हो जाता है, 19वां हो जाता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। क्यों, बी का पहले दाएं से 15वां था, तो बेटा बाएं से 19वां कैसे हो जाएगा यार, बी ए की जगह पे चला गया, तो ए का बाएं से 13वां है, तो बी का बाएं से 13वां ही तो हो सकता है, 19वां कैसे हो सकता है मुझे आप बताइए। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्वेश्चन गलत हो गया तो आंकड़े अपर्याप्त हो गया। आप लोग रटते हैं, आपने रट लिया कि नाम जो दे रखा है पुराना स्थान प्लस नया स्थान माइनस एक कर दिया, किताब में लिखा हुआ ये चीज़ें, क्वेश्चन को भी तो पढ़ा करो यार, क्वेश्चन को भी पढ़ा करें, ठीक है। क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ते इसलिए आप गलत आंसर बताते हैं, अब डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। कपिल फौजदार पते ना, अंकित खेरो सिंगल अवे सर, मोटे बर्ड लिखा करो निशानी, बिल्कुल बेटा मोटे लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। गुलशन पांडे भाई क्या हुआ गुरुजी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बेटा, सिंगल अवे यही कहा रहा सर, अन्य क्वेश्चन साफ नहीं दिखता ऋषभ, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, आंसर तो गलत हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यह है कि ऑफलाइन क्लासेज में जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था वही विद्यार्थी इसका आंसर सही दे पा रहे हैं, अन्यथा गलत दे रहे हैं यार, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन साफ नहीं दिखता यही कह रहा है सर ऋषभ भाई, सॉरी राहुल सैनी, सॉरी सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अनिता सैनी ओके सर जी, बिल्कुल दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो जाता है, ठीक है भाइयों। ओके सर, कपिल भाई बोल रहे हैं समझने का प्रयास बस यही करना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या हमें करना है, किस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, निश्चित रूप से साफ दिखेगा, ठीक है ना, निश्चित रूप से साफ दिखेगा। मेरे पास भी मोबाइल है और आप कहें तो इस मोबाइल में मैं आपको दिखा दूँ, स्क्रीन में बड़ा अच्छा सा और आराम से दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल दिख रहा है मेरे मोबाइल में है, उसमें मैं भी देख रहा हूँ। लक्ष्मी सैनी अभी भी सी बता रहे हैं, 33 नहीं होगा बेटा, अब तो मत बताओ यार, ठीक है आंकड़े पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाप, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर फॉर्म का बेटा सभी जानकारी में सर, नहीं सर हमने भी ऑफलाइन में पढ़ा था, मैंने 720 कर रखा है, 720 गौरव नारवार नहीं करना है, कम कर ले तो भी साफ दिख रहा है, 480 पे भी अच्छा दिख रहा है, 360 पे भी अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ भाई सर हमने भी ऑफलाइन में पढ़ा था, ऑफलाइन में क्या आप ये पढ़ा था कि जो उत्तर जो बता रहे थे 33 वो पढ़ा था ऑफलाइन में? ऋषभ भाई मुझे आप ये बताइए, आंसर आपने 33 जो दिया था ये आपने ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा था क्या? ऋषभ भाई यदि आप कमेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तभी मैं आगे बात करूं आपसे कि आपने ऑफलाइन क्लासेज में क्या ये 33 उत्तर पढ़ा था इस तरीके का आंसर का,
देवी सिंह नेट खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, नेट खत्म आप लोगों को इसलिए हो जाता है क्योंकि आप दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते रहते हैं, ठीक है। ऋषभ मुझे कमेंट करें फटाफट, जिससे मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, कि आपने ऑफलाइन क्लासेज में यही पढ़ा था कि 33 उत्तर आएगा इस प्रकार, ऐसे 33 आंसर आएगा। फटाफट बताइए दोस्तों, नहीं सर गलत हो गया हमसे, कोई बात नहीं गलत हो गया तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन गलत अगर पढ़ा है क्लास में तो ये गलत लगता है मुझे, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, सही पढ़ो करेक्ट, और ये सारी चीज़ें पढ़ो, क्वेश्चन कहाँ से गलत करता है, सीधे सीधे क्वेश्चन तो सब विद्यार्थी पढ़ते हैं दोस्तों, सभी किताबों में लिखे हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन घुमा के कैसे देता है ये कब आएगा, जो टीचर सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है उसमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, शुरुआत में जो पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस यदि हो जाता है व्यक्ति को तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता है किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए सभी साथी अगला क्वेश्चन बड़े आराम से नोट करें, फिर आंसर देना है। किसी पंक्ति में ये कब आए, से बड़ा बड़ा लिखने की बच्चों ने बोला है, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, किसी पंक्ति में एक अवाय से 25वां स्थान तथा बी का दाएं से 20वां स्थान है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो एका बाएं से उन्नीसवां स्थान हो जाता है। तो बताएं पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ऑप्शन ए है, देखिए मैं वापस पढ़ के बता देता हूं, किसी पंक्ति में ए का दाएं से 25वां स्थान है, बी का दाएं से 20वां स्थान है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से 19वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है 39, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त है, ये मुझे आप बताइए। फटाफट से आंसर कमेंट करें मुझे बेटा। अब आंसर अन्नी सैनी इसका आंसर बी बता रही हैं, राहुल सैनी 39 बता रहे हैं, चरण सिंह मीना 38 और नारवार वोपी राहुल सर तुम जान पूछकर गलत कराते हो, है ना, क्वेश्चन को घुमाकर। बेटा राहुल सैनी आपको बिल्कुल सही बात है, जानबूझकर गलत करा नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब ये कि आपको मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, बात तो यही है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन तो कोई भी कराएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी तो पता होना चाहिए क्वेश्चन घुमा दे तो किस तरीके से करना होगा, क्वेश्चन में कहाँ तक घुमा सकता है, क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चेतन सिंह 38, गौरव सैनी ए, लोकेश 39, सतबीर बी, गौरव सैनी 39, नरेश बी, प्रियांशु 38, राहुल, निकिता प्रियाची, निकिता जागर 39 बता रही है इसका आंसर, प्रदीप बल्लभगढ़ 38, गौरव सैनी ए, अभय सिंगल अभय ए, चेतन सिंह 38 इसका आंसर, कपिल फौजदार पथेना ए बता रहे हैं, यानी 39 बता रहे हैं दोस्तों, गौरव नारवार 38 बता रहे, काजू शर्मा 43 बता रही हैं, ये सी, अभिष बंसल वी बता रहे हैं, राहुल सैनी ओके सर बिल्कुल भाई, सपना चौधरी ए बता रही हैं, अंकित खैरो बी, अनिता सैनी 43, अनिता सैनी कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो आप मुझे ये नहीं पता, कहाँ पढ़ते हो आप, कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो जिसका आंसर 43 बता रहे हो आप, अभी 38, गोपी
बी प्रियांशु गुप्ता 38, 39 माइनस 1 38। चलो देखिए दोस्तों, आप मैं जो कई बार बोलता हूँ आप लोगों से, आप बुरा ना माने, बाकी मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपके भले के लिए बता रहा हूँ। काजू तुम्हारा भी बिल्कुल गलत है, 43 बिल्कुल गलत है, 43 तो जिस भाई ने बताया, गुलशन पांडे 38। देखो 38 39 बता रहा है तो लगभग चलेगा कि गलत भी हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं रहता ये चीज़ें, लेकिन 43 बता रहा है वो तो बिल्कुल गलत बता रहा है यार दोस्तों। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो किसी पंक्ति में ए का बाएं से 25वां स्थान है दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि ए का बाएं से 25वां स्थान बाएं से है, ठीक है, और बी का 20वां स्थान है दोस्तों दाएं से, दाएं से। ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ स्थान बदल लिया, ठीक है, स्थान परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन के बाद स्थिति किसकी बोली, देखो ए की बोली है, तो ए का कौन सा स्थान, 19वां स्थान, वो भी बेटा किधर से, बाएं से। की समस्या आ रही है, चलो सही चल रहा है, सही चल रहा है दोस्तों। अनीता सैनी बोल रही है आपने अधिगम कोचिंग में नहीं पढ़ाया था, मैंने तो पढ़ाया है, आपको पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, बाकी मैंने जब पढ़ाया है तो मैंने तो ये सारे क्वेश्चन कराए बेटा, मैंने जब पढ़ाया होगा तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए। काजू तुम ये क्या बोल रहे हैं, अनीता सैनी ओके, अंकित खेरो शिवेश्वर भाई 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 कट जाएगा, अनिता सैनी काजू सर तुझे क्या मतलब है, समझ नहीं आता मेरे, नाम मत लिया करो, मैं पाया बोल रहा हूँ, समझ गए। रामलखन 38, लोकेश शर्मा एक करना बिल्कुल भूल गए, अच्छा माइनस एक करना भूल गए, कोई बात नहीं लोकेश भाई। काजू बसर में बेटा आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं सर इसको बोलने की, सकते क्या ये मेरा नाम लेकर क्यों कमेंट कर सकता है, कोई आपस में नाम लेके कमेंट ना करें, ये मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, पर्सनली नाम लेके कमेंट ना करें, आराम से प्यार से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। तो याद देखिए आप लोग कि स्थान परिवर्तन में क्या होता है, कि ए का बाएं से दे रखा है, बी का दाएं से, और स्थान परिवर्तन के बाद में दे रखा है बाएं से, तो जो नाम नीचे दे रखा है ऊपर वाली स्थिति में से काट दो, काट दिया, अब दोनों को जोड़ करके माइनस एक कर दो, दाया प्लस बाया माइनस एक, देखिए 20 और 19 39 माइनस एक होगा, 39 माइनस एक बराबर 38 आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 38 होगा, ठीक है, कितना होगा इसका आंसर, 38 होगा। तो जो नाम दे रखा है नीचे ऊपर वाली स्थिति में से काट देते हैं, दोनों को जोड़ के माइनस एक कर देते हैं, शेष बचते हैं दोनों को जोड़ करके माइनस कितना कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों 38 आएगा, कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज आप लोग लगातार बने रहें, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, समय थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आज। आई एम राइट सर, बिल्कुल सुंदर भाई आप राइट हो, करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका क्लास का टाइम तो हो चुका है, अगर आप कहते हैं तो और क्लास आगे बढ़ा दें, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए। ओके योगेश कुमार बोल रहे हैं, ओके सर सही है, नेक्स्ट, ठीक है, तो और विद्यार्थी भी कमेंट करें, ओके ओके आगे बढ़, चलो चलते हैं, चलो आगे बताओ। म्यूजिक कंपनी ओके, एमएस म्यूजिक कंपनी भी पढ़ रहे हैं, क्या बात है सर, एमएस भाई धन्यवाद। दोस्तों एमएस म्यूजिक कंपनी चैनल है, ये अपने मित्र का चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ये चैनल वाले भाई गाने सुनाते हैं बच्चों को। चरण सिंह मीना चलने दो सर, बिल्कुल चलने दे रहे भाई, ऋषभ भाई ओके, चेतन प्रदीप बिल्कुल, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है सर, दोबारा समझाना। हुमिंदर सिंह पढ़ाओ सर, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, दोबारा देखिए बेटा, कुल विद्यार्थी पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या पूछा जा रहा है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी जब पूछे जाते हैं तो जो नाम नीचे दे रखा है ऊपर वाले में से इसको काट दो, काट दिया, एक का नाम दे रखा है एक का नाम काट दिया, जो बचते हैं शेष उनको जोड़ के माइनस एक कर दो, जो नाम स्थान परिवर्तन के बाद दे रखा है वही नाम ऊपर वाली स्थिति में से काट दो, जो शेष दो बचते हैं उनको जोड़ के माइनस एक कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना दोस्त भाई, समझ में आ गया बेटा। चलने दो गुरुदेव, गौरव नारबार बोल रहे हैं, बिल्कुल बेटा गौरव, जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक ये टॉपिक चलेगा, ये टॉपिक पूरा होने के बाद दूसरा टॉपिक चलेंगे, बढ़ाओ सर आगे क्लास, सर रशिया सुनते हुए क्या, गोपी बोल रहे हैं, बेटा मनोरंजन भी जरूरी होता है, पढ़ाई भी जरूरी होती है, सब चीज़ जरूरी होती है समय के अनुसार, ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए, आप लोग क्वेश्चन मेरा अगला है, फटाफट से आप देखिए, किसी पंक्ति में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो अभी विद्यार्थी देखते हैं कितना सही करते हैं, किसी पंक्ति में राम का बाएं से, किसी पंक्ति में राम का
बाएं से 15वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 23वां स्थान है। 23वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो श्याम का दाएं से 19वां स्थान हो जाता है। श्याम का दाएं से 19वां स्थान हो जाता है। तो बताइए इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या बात है दोस्तों, इसका तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं आप लोग। अनिता सैनी 3, कौशल गणेश हेलो, अमिंदर बी, निकिता बी, अंकित सतवी, राहुल गोपीस, अंकित चेतन, सुंदर, अनिता, अन्नी सैनी, चेतन, गोपी, अंकित, गौरव, काजू, ऋषभ, राहुल सैनी, इन्होंने तो डिलीट कर दिया। मैं MS म्यूजिक कंपनी की बोल रहे थे। अच्छा, लव को शॉट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु गुप्ता 3, गौरव नारवर 3। ठीक है दोस्तों, सभी साथी इसका आंसर फटाफट से दें। रामलखन 3, MS म्यूजिक जुड़ रहा है तो आप भी आंसर दें भाई। कपिल प्रजापति वेयर वी बता रहे हैं, यानी 3 आंसर बता रहे हैं दोस्तों। प्रदीप कुमार वल्लभगढ़ 3, साथियों सपना चौधरी पथेना बी 3, सुगर सिंह गुर्जर जी कहाँ से आ गया इसमें जी, तो गोविंद गुर्जर बोल रहे हो क्या? काजू शर्मा बी, HR मीना 3, ऋषभ भाई 3 बता रहे हैं, HR मीना भी 3 बता रहे हैं। चलो साथियों बिल्कुल, सुगर सिंह गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग का मतलब जी नहीं होता बेटा, GE होता है, GD EVNINGS लिखते हैं। ठीक है, नरेश कुमार वी, MS म्यूजिक कंपनी बी, लबको शॉट बी, बिल्कुल बी आंसर है इसका, सभी साथी आंसर दे रहे हैं बी है। ठीक है ना, बी क्यों होगा? देखिए ये 19वां स्थान है, इधर एक बार देखिए, स्थान बदलने के बाद में ए का कौन सा स्थान है, सॉरी श्याम का कौन सा स्थान है, 19वां है। तो देखिए दोस्तों, राम का बाएं से पहले 15वां स्थान था और श्याम का पहले 23वां स्थान था। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, राम का बाएं से 15वां, श्याम का दाएं से 23वां। स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का दाएं से 19वां स्थान। पहले देखो 23वां स्थान था, अब 19वां स्थान हो गया, तो इसका मतलब पहले श्याम की बात जब कर रहे थे, अभी भी श्याम की बात कर रहे हैं। दोनों की तुलना करेंगे, पहले और अब की तुलना करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए तो 4 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो पहले जितना स्थान था और अब जो स्थान है उसमें 4 कम हो गया। 4 कम हो गया तो जितना भी कम होता है या ज्यादा होता है उससे एक कम मध्य में होते हैं। मध्य में जो संख्या होते हैं वो जितना भी कम हुआ या ज्यादा हुआ उससे एक कम, तो 4 से एक कम कितना होगा बेटा? 3। तो आंसर बिल्कुल आपका कितना है? 3 करेक्ट है। सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल 3 है और 100% सही है साथियों। अनिता नेक्स्ट, बिल्कुल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्पा सैनी, सर मैथ कब पढ़ाते हो?
पुष्पा मैथ भी स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी मैथ की क्लास नहीं चल रही है क्योंकि रीजनिंग की क्लास के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आप लोगों के। मैथ की क्लास भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड भी आ रही है बार बार मैथ के लिए। योगेश कुमार नेक्स्ट, बिल्कुल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। प्रियांशु गुप्ता बोले एक बार फिर समझाना। बेटा प्रियांशु अब तो मैंने डिलीट कर दिया क्वेश्चन यहाँ से, आप पूछना चाहिए था। देखिए मैं वापस से एक बार फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो स्थान परिवर्तन के बाद का स्थान होता है और पहले का जो स्थान होता है उनमें ये देखते हैं कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जितना भी कम होगा या ज़्यादा होगा उससे एक कम होता है मध्य में, ठीक है ना। जितना भी कम या ज़्यादा होगा उससे एक कम होता है मध्य में, ये ध्यान रखना है बेटा आपको मध्य के विद्यार्थी के लिए। अगला क्वेश्चन और सुनिए, किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में एका बाएं से, एका बाएं से 16वां स्थान है। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, वीडियो दोबारा देख लेना। गौरव नारवा बिल्कुल सही बात है बेटा, वीडियो आप दोबारा एक बार फिर देख लेना। और वैसे मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार आप रिकवर कर लेना। लव कुछ यार नेक्स्ट सर, बिल्कुल नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा, देखना ढंग से आप। किसी पंक्ति में एका बाएं से 16वां स्थान है तथा तथा बी का दाएं से 13वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, बदल लें तो एका बाएं से 12वां स्थान हो जाता है, 12वां स्थान हो जाता है, ठीक है 12वां स्थान हो जाता है। तो बताएं स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद बी का बाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है मेरा 16वां स्थान, ऑप्शन बी है मेरा 9वां स्थान, ऑप्शन सी है 13वां स्थान, ऑप्शन डी है 12वां स्थान। तो यह हो गया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सभी साथी आंसर दीजिए, मुझे विश्वास है देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। गोपी बोल रहे 9, अंकित 9, खेरो अंकित, खेरो 9, अंकित, गौरव नारवार, राहुल सैनी, उमेंद्र सिंह भी बता रहे 9 यानी सिंगल, अभय सतवीर 9, अंकित भी, गौरव भी, सुंदर कुमार भी, अंकित, एचएम 9, प्रियांशु गुप्ता 9, निकिता जांगड़ बी, आशी बंसल डी, इनमें से कोई नहीं। गौरव नारवार, कपिल प्रजापत वेर 9, योगेश कुमार डी, आशी बंसल डी, काजू शर्मा 9, अनिता सैनी डी। देखते हैं साथियों कौन सही आंसर बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। चेतन सिंह 9 बता रहे हैं, एमएस म्यूजिक कंपनी 9 बता रहे हैं, दौलत कुमार 9, सब दे रहे हैं क्वेश्चन को, कोई पढ़ नहीं रहा है, क्या बोला जा रहा है। मैंने आपसे पहले बोल दिया क्लास मेरी चल रही है, क्लास का ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में थोड़ा सा यार पढ़ा तो करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो के दिए जा रहे हो, ऐसे नहीं, गलत बात है। देखिए किसी पंक्ति में एका बाएं से 16वां स्थान, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एका
बाएं से, 16वां स्थान है, बी का दाएं से 13वां स्थान है, स्थान बदलने के बाद में ए का बाएं से 12वां स्थान हो जाता है। चलो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने पूछा क्या है, स्थान परिवर्तन के बाद बी का बाएं से कौन सा होगा, बी का बाएं से कब, स्थान बदलने के बाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ये बोल देता स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाएं से कौन सा होगा, दाएं से कौन सा होगा, तो आप क्या करते कि ए का पहले स्थान 16वां था और अब 12वां है, तो 4 कम हो गया दोस्तों, कितना कम हो गया, 4, तो इसमें भी हम 4 कम कर देते तो 9वां स्थान आ जाता। वो 9वां स्थान किधर से आता, दाएं से दोस्तों, किधर से आता, दाएं से। लेकिन मैंने क्या पूछा, स्थान बदलने के बाद बी का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए आप, स्थान बदलने के बाद बी का बाएं से कौन सा स्थान होगा, ठीक है दोस्तों। बाएं से स्थान पूछा है, तो बाएं से स्थान जब पूछा है तो पहले ए बाएं से 16वें नंबर पर था, अब ए की जगह पर कौन आ गया, बी, और बी की जगह पर कौन आ गया, ए, इन्होंने जगह बदल ली ना आपस में, तो इस जगह पर बी हो गया, तो जो नंबर पहले ए का था अब किसका हो गया, बी का, तो आंसर 16 आएगा। आंसर दोस्तों कितना आएगा, 16। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंकित ए बोल रहा है, अब अंकित, ऋषभ भाई डी, अब तो सभी ये बताएंगे, खैर सतवीर डी बता रहे हैं, लोकेश शर्मा 0 है सर, 0 नहीं आएगा यार, 16 आएगा। प्रियांशु गुप्ता ए, अभी मुझे कमेंट करके बताइए, जो भाई की समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चरण सिंह मीना बोल रहे हैं, दोबारा बताइए, बिल्कुल भाई दोबारा देखिए बाप, देखिए जिस जगह पे ए था एक बी था, इन्होंने दोनों ने आपस में जगह बदल ली, यहाँ तो आ गया बी और यहाँ पे चला गया ए, ये आपको पता है, स्थान बदलने का मतलब ये तो हो गया। अब बी की जगह, ए की जगह पे आ गया, तो ए का स्थान बाएं से 16वां था, तो बी का बाएं से 16वां तो होगा। निकिता समझ में नहीं आया बेटा, देखिए चित्र बना के समझा देता हूँ मैं आपको, जब समझ में आएगा। देखिए ए का बाएं से 12वां स्थान हो जाता है, तो पहले 16वां स्थान था और अब 12वां स्थान हो गया बेटा, तो स्थान कम हो रहा है कि ज़्यादा, पहले तो ये बताइए, 16 से स्थान 12 रह गया तो स्थान कम हो गया, कम का मतलब स्थिति न्यूनतम की बनेगी, और न्यूनतम का चित्र बनाएंगे हम। देखो मैं आपको चित्र बना के यहाँ पर समझा देता हूँ, वापस से मिटा करके, सर ये पीछे होगा अरट घटेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपने, सर चित्र बनाओ, बिल्कुल भाई चित्र बना रहे राहुल, 100% चित्र द्वारा ही समझ में आएगा आप लोगों के, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इनको बहुत कम लोग पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता ज़्यादातर, क्योंकि इतना घुमा के नहीं पढ़ाते, बस सीधे सीधे बता दिए और फिर ये जो टॉपिक चल रहा है मेरा, ये एक क्वेश्चन बताते हैं बस, कुल विद्यार्थी कितने, मध्य के विद्यार्थी कितने, मैं इसको पूरा खोल खोल के एक क्वेश्चन आपको लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। चित्र देखिए वापस का, चित्र जब बनेगा तो न्यूनतम का बनेगा बेटा क्रॉस होगा, ये सबको पता होना चाहिए, 16वां स्थान था पहले 12वां है, कम हो गया तो न्यूनतम बन गया, ए का स्थान इधर से 16वें था और बी का स्थान इधर से बेटा देखो कौन सा था, 13वां था, यह भली बात ही पता, इस जगह पे ए आ गया, इस जगह पे बी आ गया, स्थान बदल लिया ना दोनों ने, तो बी का बाएं से, देख स्थान ए का बाएं से 12वां हो जाता है, तो इस जगह पे जो ए बैठा है यहाँ से स्थान इसका 12वां हो गया, ये चित्र बनेगा दोस्तों। पहले ए यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तो ए का इधर से 12वां हो गया। अब प्रश्न में जो पूछा है दोस्तों, देखिए चित्र समझ में आ गया आपका, चित्र ये बनेगा, पहले यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, अब यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तो प्रश्न में बोला है तो स्थान परिवर्तन के बाद बी का बाएं से, तो देखो यहाँ जगह पे बी जो है इसका इधर से कौन सा स्थान है, बी का बाएं से, ये बाएं से कौन सा स्थान है बी का बेटा, 16वां स्थान है, तो 16वां ही तो मैंने बताया था, योगेश कुमार बोल रहे सर ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में आते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन है क्या ये, मैं तो ये सारे क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, कौन कह रहा है नहीं आ सकते, आ सकते हैं, कठिन थोड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है योगेश भाई, कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है राहुल भाई, समझ में आ गया होगा चित्र से। अगर मैं इस जगह पे ये बोल देता, मैं अगले क्वेश्चन में बोलूँगा ये चीज़ कि ये बोल देता और वो बोल देता, लक्ष्मी सैनी डी अभी भी डी बता रहे बेटा, सर घटाना चाहिए ना बेटा, वो बी का दाएं से थोड़ी पूछ रहा है, ये बी पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, तो दाएं से तो कम हो गया, दाएं से तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन बाएं से तो इस जगह पर ही आएगा, 16वें स्थान पर एक ही जगह पर ही तो आएगा, दाएं बाएं को समझिए आप प्रियंश, ओके सर नेक्स्ट आ गया समझ में, ये भी समझना आपको दाएं बाएं क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये भी आपको समझने का प्रयास करना है।
बोलिए कमेंट करके, ओके समझ में आ गया, ओके सर जी अनिता सैनी बोल रहे, बिल्कुल धन्यवाद बेटा। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप खुद करके देखना, और नहीं हो तो मेरे से कल पूछना आप कल की क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगली क्लास में मुझे बताना आंसर। अभी रैंकिंग टॉपिक आपका पूरा नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ अभी बची हुई हैं रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है दोस्तों। ये अगली क्लास भी आपकी रैंकिंग टेस्ट की कल फिर होगी दोबारा से, जहाँ तक क्वेश्चन बोल दिया उससे आगे के क्वेश्चन बनेंगे चलेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन मेरा यह है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और कल की क्लास में जब अपन लेंगे तो उसमें आप आंसर दीजिए, ठीक है। किसी पंक्ति में ए का बाएं से 17वां स्थान है तथा बी का दाएं से 21वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो ए का दाएं से 23वां स्थान हो जाता है, तो बताएं दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, 4 की जगह पे 2 लिख दो इसमें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आंकड़े पर्याप्त। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आपके 4 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, ये आप पढ़े आराम से करने का। सर डेली प्लस के फॉर्म चालू हो गए हैं और चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, चालू हो गए, टेंशन ना लें सर, हमें ज़रूर बताना डेली प्लस के फॉर्म के बारे में, बिल्कुल बता देंगे भाई। राहुल सैनी सभी स्टूडेंट लाइक एंड शेयर करें, सभी साथी लाइक करें और शेयर करें, और आपसे एक निवेदन है, अपने अपने ग्रुप जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, फेसबुक है, सभी पे इंस्टाग्राम है, उन सब पर आप शेयर भी करते रहें दोस्तों, ठीक है, ये ज़रूर शेयर करें। आप बताइए मुझे जो क्वेश्चन मैंने बोला है, इस क्वेश्चन को मुझे अभी बताना है या आप मुझे कमेंट में कल बताएंगे। योगेश डी बता रहे हैं, राहुल सैनी डी, अन्य सैनी डी, चेतन सिंह डी, चरण सिंह मीना 5, गौरव सैनी 6, सुंदर 5, गौरव 5, अभी गोपी बोल रहे हैं अभी बताओ, बिल्कुल बता रहे हैं। नरेश कुमार 14/8/2001, सर इसको बता दो, क्या बताना है इसमें भाई नरेश, ओके सर कर दिया शेयर, धन्यवाद भाई शेयर कर दिया तो। एचआर मीना डी, सतवीर डी, कपिल प्रजापत वैर डी, प्रियांशु गुप्ता हर्षिता चौधरी डी, अंकित खेरो डी है इसका आंसर, योगेश कुमार बोल रहे हैं। रामलखन प्रजापत अभी बताओ, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ मैं, आंसर तो देख लूँ आप लोग क्या बता रहे हैं, वो आंसर देख रहा हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है मैं अभी बताऊँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। प्रदीप कुमार बल्लभगढ़, अंकित खेरो, लवकुश जाट 5, होमिंदर सिंह डी, आंकड़े पर्याप्त हैं, अंकित खेरो बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो आंकड़े पर्याप्त है, मैंने थोड़ा सा देखा कि विद्यार्थी इसको दिमाग लगा के देख रहे हैं, बेसी चल रहे हैं, अभी भी कुछ विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं इसको। बेटा 14/8/2001 में क्या बार होगा। नरेश कुमार भाई ये बड़ी समस्या है कि जो टॉपिक चल रहा होता है उसी टॉपिक से संबंधित आप बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 14/8/2001 से संबंधित मैंने आपको जब घड़ी जब कैलेंडर चल रहा था आपको उस समय पूछना चाहिए था, बिल्कुल
ठीक है, अभी तो मैं खैर इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि जो टॉपिक चल रहा होता है थंबनेल में जो डाल दिया जाता है उसी से संबंधित आप जानकारी लेने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा होता है उसी से संबंधित, मतलब कुछ डी मुकेश मीना डी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर देंगे अनेक प्रकार के अलग अलग टॉपिक के, तो फिर हम उनका आंसर देते रहेंगे तो हमारे टॉपिक को कब पूरा कराएंगे। पर इसको नरेश भाई आपके को बता रहे हैं, बाकी आप ध्यान रखना आगे से कि जो टॉपिक चल रहा होता है उसी से संबंधित जानकारी आप लेने का प्रयास करते रहें दोस्तों। ठीक है, पर फिर देख लीजिए आपका क्वेश्चन, ये आपने बोला है कि 14/8/2001 को क्या बार होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे, 2001 चल रही है तो बेटा शताब्दी पूरी, वर्ष 2000 रह गई, इसमें वर्ष शताब्दी 2000 है, वर्ष जीरो लीप वर्ष भी जीरो है, दिनों की संख्या निकाल लो बस। अब दिनों की संख्या क्या होगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है ना सर, क्लास ख़त्म हो रही है इसलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ नरेश भाई, कोई बात नहीं। तो देखिए अगला, तो जनवरी में दिनों की संख्या बेटा इसमें 3 होगी, फरवरी में 0 होगी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 0। 14 अगस्त है बेटा, 7 × 2 = 14, 0 शेष बचेगा। ठीक है, 3 × 3 = 6, 7 = 8, 9 + 10 = 11, 12 = 13, 14 = 15 = 16, टोटल दिनों की संख्या 16 आ रही है भाई, 16 आ रही है। तो 16 में 7 का भाग देंगे, इसमें 400 का भाग देंगे, शेष 0, 7 × 2 = 14, 2 शेष बच गया, 2 का मतलब बेटा मंगलवार होता है। नरेश भाई मंडे नहीं होगा, संडे मंडे ट्यूजडे होगा भाई। गोपेश अनिता सैनी ओके, नरेश भाई समझ में आया। देखो 2001 चल रही है, 2000 पूरी अगली शताब्दी, 0 0, दिनों की संख्या 14/8 तक के लेने, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक के लेने, 3 0 3 2 3 2 3 0। ठीक है ना, ये 0 ये कैसे आ रहा है आपको सब पता होगा, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर मंगलवार आएगा दोस्तों, कितना क्या बार आएगा मंगलवार। सभी साथी समझ पाए होंगे, आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी समय से अपन चल रहे लगातार ले रहे थे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या लगातार जुड़ रही थी तो हमें भी अच्छा लग रहा था। तो साथियों लाइक करें अभी और शेयर करें, सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब कराना बिल्कुल ना भूलें, आपके घर में जितने भी दोस्त यार मिलने वाले हैं सबसे बोल करके सब्सक्राइब कराएं, और सबको पढ़ने के लिए क्लास बोलें आप। ठीक है, आप लोगों की वजह से हम क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, तो आपके लिए धन्यवाद। सभी साथियों का प्यार इसी प्रकार बना रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि, और रात को पढ़ के सोना है भाइयों। नमस्कार, जय हिंद।